आदरणीय जिला परिषद मेंबर वीरेंद्र शिवाज जी, गांव के आपके सरपंच साहब, साथ में श्री राजेंद्र प्रजापति जी, नरेश सुदेवा जी, लूथरा साहब, रतन अंदिन जी, मेरा मेहता जी और बालाराम नंबरदार जी, जोगिंदर जेलदार जी, श्री रणधीर जी, दिनेश पंच, रोशन फौजी, भर सिंह फौजी, निहाल सिंह जी, सूरजमल शिवाज, राजवीर शिवाज, राममेर मास्टर, डॉक्टर दशमेर, सत्यवान जी नंबरदार, मिठू कामरेड, विक्की शिवाज, प्रवीण नैन, करमवीर शिवाज, प्रदीप शिवाज, सुरेश चौकंद और सभी साथ में आए हुए नेतागण, गांव के बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं मान्य तो रंजीत सिंह जी का, वैसे दोनों साहब आपका इलाका है, आपका घर है ये फतेहाबाद हल्का गोरखपुर, लेकिन एमएलए के नाते आप आज फतेहाबाद हल्के में आए हो, गांव गोरखपुर में आए हो, यह आने पर आपके दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, चो साहब के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, इनका मेरा पार्टी अलग रही होगी कई बार, लेकिन परिवार की तरह मेरा इनका से रिश्ता है, दुख सुख के साथ ही रहे और इतने भले आदमी हैं ये, जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है कोई काम की, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, हमेशा डट के साथ देते हैं, चाहे मैं हूं चाहे दूसरे किसी की किसी तरह की बात आ, तो रंजीत सिंह के बारे में समझता हूँ मैं, जितना भी कहूँ मैं समझता हूँ थोड़ा है, इसलिए तो साहब यहाँ आप आए हो, एक बार फिर से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, गोरखपुर गांव में कोई मैं नया नहीं हूँ आपके लिए और आप मेरे लिए नए नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका गुआंडी हूँ, चाहे मैं एमएलए रहा चाहे एमएलए नहीं रहा, मैंने ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की, जो भी मेरे बस की बात हुई मैंने हमेशा ईमानदारी से आप लोगों की सेवा की। दोस्तों, आज तो कोई काम करता हूं सोचता हूं मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, मैंने उस टाइम भी काम किए जिस टाइम मैं यहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, ये मान्यर मनाने की बात है आपकी, शिवानी मान्यर, खिजूरी मान्यर, ये सारे के सारे बहुत बड़ा योगदान दूर राम का है, उसमें बुजुर्गों को पता है, बच्चों को पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, जिम्मेदार के ऊपर पानी से ऊपर कुछ नहीं होता, पानी की बात के अलावा जो भी हो उसका मैंने एमएलए के रूप में हमेशा जो भी हुआ मैंने किया, गांव में कोई ग्रांट देने की बात थी, कोई स्कूल बनाने की बात थी, कोई चौपाल बनाने की बात थी, और हमेशा मैंने भाईचारा कायम रखा और हर भाई के सुख और दुख में आपके बीच में हाजिर हुआ, चाहे मुझे आधी रात को पता चला तो मैं भाज के आया गोरखपुर, क्योंकि मैं इस गांव से आपका मेरा राजनीतिक रिश्ता जैसे मैंने कहा नहीं है, गुआंडी भाई हूं, इलेक्शनों में आता हूं जब भी कहता हूं वोट देना नहीं देना आपकी मर्जी है, भाई आपका गुआंडी रहूंगा, ये वीक पे थे मैंने डंडी मार दी गई थोड़ी घनी, लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं आपका गुआंडी भाई रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता राजनीति नहीं रहा, ठीक है इलेक्शन आएंगे जाएंगे जीतेंगे हारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरखपुर गांव, खिजूरी गांव, मोहम्मदपुर गांव कोई अलग अलग नहीं है, मैं तो आप इतना ही कहूंगा, आज तो रंजीत सिंह जी हैं मंत्री हैं आपके हमारे, और मैं जैसे एमएलए के रूप में आज आपके बीच में खड़ा हूं, पूरी ईमानदारी से आपकी पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे, धर्मशाला की तो बात अलग करूंगा, इसके अलावा जो भी बात होगी हमारे से तो रंजीत सिंह बिजली का मंत्री है, बिजली मंत्री के अलावा भी जो भी बात कहते हैं किसी बैंक में उसके बाद का मायने होता है, आपकी किसी जो भी होगी आपकी पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज फतेहाबाद मुख्यमंत्री जी को आना है, थोड़ा वहां भी जाना है, बात बहुत लंबी चौड़ी करनी थी आपके बीच में, लेकिन एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आने पर यहाँ से स्वागत किया, कमेटी का मैं धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ, जाट धर्मशाला बनने जा रही है ये सारे समाज के काम आएगी, सांझी बन रही है कोई सुख में दुख में हर एक के काम आएगी, तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है
मंत्री जी पूरा जोटा मार दियो ताकि दिक्कत ना, पीछे यूं ना कहते ये क्या कर गए दोनों जना। तो मैं एक बार फिर से तो साहब का यहाँ आने पर फिर से धन्यवाद करता हूँ, और कहा बात हो आपका भाई, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ भाई, कोई बात नहीं, इलेक्शन 5-4 साल बाद में आ जाइयो, आगे जरूर ध्यान रखियो, मैं थारा हूँ, मैं थे मेरा हूँ भाई, इस बात का ये कहकर जा रहा हूँ भाई, और ईमानदारी से 5 साल आपकी सेवा करूंगा, चाहे कोई बात नहीं, कई बार हालात होते हैं, कई बार मजबूरियां होती है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कई बार वोट कम जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं एमएलए हूँ आज आपके हल्के का, एमएलए के नाते जैसा भी हाजिर रहूंगा, 24 घंटा हाजिर रहूंगा, जो भी मेरे बस की बात है मैं करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, नमस्कार, जय।